The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aadshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sunidhi and I teach economics on this channel. फिलहाल मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को शुरू किया हुआ है और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम फिलहाल सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं। सेट थ्योरी के अंदर मैं 2 लेक्चर्स अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ और अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेट क्या होता है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन जो होते हैं वो हम सेट में यूज़ करते हैं, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे का पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले उन वीडियोस को देखिए ताकि आज की ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आज का वीडियो है ये सीरीज का पार्ट है, अगर आप बीच में से एक वीडियो देखेंगे तो शायद आपको समझ में ना आए। उन 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में आपको वो वीडियोस दिख रही होंगी। आप पहले उन वीडियोस को देखिए, सेट के कॉन्सेप्ट्स को समझिए, सेट के ऑपरेशंस को समझिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज की इस वीडियो में हम जो सेट्स हैं, सेट के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें क्या क्या लॉज लगते हैं, यानी कि लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एलजेब्रा क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, वो किस तरीके से सेट में होता है आज की इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। इनको कुछ बुक्स में थ्योरम्स भी कहा जाता है, जैसे कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में बहुत सारी थ्योरम्स होती हैं, इसी तरीके से इसमें ये थ्योरम्स भी हैं। हम 6 थ्योरम्स को आज पढ़ेंगे और ये थ्योरम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि हर सिचुएशन में सही होती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, जो सबसे पहली थ्योरम हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है कि आइडम्पोटेंट लॉज क्या होता है। देखिए, आइडम्पोटेंट लॉज का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई भी एक सेट है, सेट ए, अब हम सेट ए में कोई भी ऑपरेशन लगाएं, या तो हम उसका यूनियन करें या फिर हम उसका इंटरसेक्शन करें, जो हमारा आंसर है वो हमेशा सेट ए ही आएगा। यानी कि अगर हम एक सेट के साथ उसी सेट का यूनियन भी करें और इंटरसेक्शन भी करें तो हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। देखिए, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मैं अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करना चाहूँ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन ए, ठीक है, तो दूसरा सेट भी तो यही होगा। अगर ए का हमें ए से ही यूनियन करना है तो दूसरा सेट भी तो हमारा यही निकल के आने वाला है, दूसरा सेट हमारा चेंज तो होगा नहीं। और क्योंकि दूसरा सेट हमारा यही निकल के आने वाला है, इसीलिए ए यूनियन ए का मतलब क्या होगा, जितने भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे, और यूनियन में हम क्या लिखते हैं, यूनियन में हम लिखते हैं जितने भी जो सेट्स में दोनों सेट में एलिमेंट होते हैं वो हम जब कंबाइन करके लिखते हैं तो वो हमारा यूनियन बन जाता है, क्योंकि दोनों सेट के एलिमेंट सेम होंगे, इसीलिए ए यूनियन ए भी यही होगा और ए इंटरसेक्शन ए भी यही होगा हमारा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या है, हमारे कॉमन एलिमेंट्स तो वही होने वाले ना, कॉमन एलिमेंट्स तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा जो आइडम्पोटेंट क्लॉज है वो ये कहता है कि एक सेट का अगर हम उसी सेट के साथ कोई भी ऑपरेशन लगाएं तो वो हमें क्या देता है, सेम सेट देता है। दूसरा जो हमारा सेट है वो होता है आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। आइडेंटिटी लॉज को जब हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि कोई भी एक नंबर है, लेट्स से 15, अगर हम इसके 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 15 आएगा, इसको 1 से डिवाइड करें तो भी 15 आएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि किसी भी नंबर को अगर हम एक से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो जो नंबर है वो सेम आता है, वो नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये आइडेंटिटी लॉ होता है। अब अगर इसको हमें सेट में देखना है, ये तो बेसिक एलजेब्रा में होता है ना, अगर हम इसी चीज़ को सेट में देखना चाहते हैं तो सेट में हम किस तरीके से देखेंगे इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहला तो ये है कि ए यूनियन 5 वुड बी इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, किसी भी एक सेट का अगर हम 5 के साथ यूनियन करेंगे तो हमारा वही सेट निकल के आने वाला है। देखिए, 5 जब मैंने आपको बताया था तो ये होता है एम्प्टी सेट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 5 का पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, आप डिटेल में जाके फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और जो 5 होता है वो हर सेट का सबसेट भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास एक सेट तो ऑलरेडी है ए, अब मैंने बताया कि हर सेट का सबसेट होता ही है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सेट हो गया, लेट्स से 5। अगर हम 5 में वो करेंगे तो 5 तो इसका भी सेट है ना, ए यूनियन ए का भी सबसेट है ना। अगर हम इसके सबसेट बनाएंगे, जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था तो जब मैंने उसमें सबसेट बताए थे
तो मैंने जो उसमें सबसेट बताए थे, सबसेट के अंदर मैंने एक 5 है तो सबसेट बनाया था, 5 बनाया था, फिर 1 बनाया था, फिर 2 बनाया था, फिर इसी तरीके से 1 और 2 बनाया था, ठीक है। तो 5 तो ऑलरेडी सबसेट है, तो अगर हम a यूनियन 5 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा a ही आएगा, a इंटरसेक्शन यूनियन, a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन यूनियन जो होगा वो a के इक्वल होगा। देखिए u का मतलब क्या होता है, u का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, जितने भी एलिमेंट्स को हमें कंसीडर करना है, जितने भी एलिमेंट्स को हम स्टडी करना चाहते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट जब भी किसी एक सेट में प्रेजेंट होंगे तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। लेट्स से कि यूनिवर्सल सेट यहाँ पे 1, 2, 3 और 10 तक के सारे नंबर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें तो देखिए यूनिवर्सल सेट में से ही ए बनता है, यूनिवर्सल सेट में से ही सेट बनेगा, और कॉमन एलिमेंट वही एलिमेंट तो आएंगे जो कि हमारे ए में प्रेजेंट हों। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे इसमें प्रेजेंट है। और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स को लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल टू ए। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यूनिवर्सल और ए में क्या है, हमारे कॉमन जो सेट, कॉमन जो एलिमेंट्स है वो इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हमें समझना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को समझने का एक सबसे मैं आसान तरीका आपको बता सकती हूँ, 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12। बेसिक एलजेब्रा में हम इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, या तो 3 × 4 करते हैं तो भी 12 आएगा, 4 × 3 करें तो वो भी 12 आएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये लॉ है, हम ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, आंसर सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर B इंटरसेक्शन A करें, आंसर जो है वो सेम आएगा। लेट्स से B जो हमारा सेट है वो इवन नंबर का सेट है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन B करते हैं। मैंने आपको बताया था A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम B इंटरसेक्शन A करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, 2 और 4। इसी तरीके से जब हम A यूनियन B करेंगे तो भी सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा, B यूनियन A करेंगे तो भी सारे एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, और ये 3 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। अब हमें सेट की जो एलजेब्रा है उसके कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, लॉज, थ्योरम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ को पढ़ेंगे, और एसोसिएटिव लॉ को पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एसोसिएटिव लॉ है वो 3 सेट में लगता है। अभी तक हम 2 सेट पढ़ रहे थे या केवल 1 सेट के ऑपरेशंस को पढ़ रहे थे, जब 3 सेट के एक साथ हम पढ़ेंगे तो एसोसिएटिव लॉ जो है यूज होगा, ठीक है। अब हम मानते हैं लेट्स से ए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बी 1, 3, 5, 7, C, 2, 4, 6। देखिए सबसे पहले जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है वो क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है अगर हमें कोई भी 3 सेट दिए हो और हम उन तीनों सेटों का यूनियन या इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले कौन से 2 सेट को कंसीडर कर रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले उन्होंने बी यूनियन सी किया है, और फिर बाद में ए से यूनियन किया है, और यहाँ पे उन्होंने पहले ए यूनियन बी किया है और बाद में सी से किया है। दोनों के आंसर जो है वो सेम आएंगे, हमेशा सेम आएंगे, यही थ्योरम है। अब हम इसको एक बार प्रूव करके देखते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन है तो क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6, ठीक है। बी यूनियन सी हो गया। हम जानते हैं बेसिक मैथमेटिक का रूल है कि सबसे पहले हम किसी भी ब्रैकेट को ओपन अप करेंगे। यहां पे हमने ब्रैकेट को ओपन किया बी यूनियन सी। अब हमें क्या करना है, बी यूनियन सी में ए का यूनियन और करना है, यानी कि अब हम इन दोनों सेट को कंसिडर नहीं करेंगे, इन दोनों के सेट में जो भी होगा हम उसको करेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ये पूरा सेट रिपीट हो जाएगा क्योंकि बी और सी जो है वो इसी का सबसेट लिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया LHS। अब हम इसके RHS की बात करें तो सबसे पहले A यूनियन B करेंगे, यानी कि इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो A यूनियन B हमारा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अगर आप इसमें C का भी यूनियन करना चाहें तो कोई मतलब नहीं है ना, केवल रिपीटेशन होगा, क्योंकि 2, 4, 6, 2, 4, 6 ये सब ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी सेट में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन का कोई पॉइंट नहीं होता है सेट में, ऑर्डरिंग रिपीटेशन मैटर नहीं करता है, केवल ये मैटर करता है कि कितने एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं, दैट्स इट। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ का प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। दूसरी होगी, इसमें हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो अगर हमारे पास तीन सेट गिवन है, जैसे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किस तरीके से इसका ब्रैकेट खुलेगा या किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो हमें समझना है। देखिए, इसमें याद करने वाली क्या चीज है, सबसे पहले हम ए का बी में यूनियन करेंगे, यहाँ पे बाहर यूनियन है, ए का बी में यूनियन करेंगे, फिर जो अंदर है इंटरसेक्शन उसको इंटरसेक्शन करेंगे, और फिर ए का सेकंड वाले एलिमेंट में यूनियन करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को हम कैसे करेंगे, पहले ए का बी से यूनियन करेंगे, फिर ए का सी से यूनियन करेंगे, और जो उनका कॉमन एलिमेंट होगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये यह है, यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन किया हुआ है हमने, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी, अगर हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी करें तो देखिए बी इंटरसेक्शन सी कुछ नहीं होगा, फाई होगा। B इंटरसेक्शन C क्या होगा, फाइव होगा, क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब B इंटरसेक्शन C हमारा फाइव हो गया, और अगर हम इसका A के साथ यूनियन करें, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, पूरा का पूरा जो A सेट है वो रिपीट हो जाएगा। देखिए, यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी समझाई थी, कि जो A का यूनियन अगर हम फाइव के साथ करेंगे तो वो क्या आएगा, A। मैंने ये एग्जांपल इसीलिए लिया था ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज यूज होंगी। यहाँ पे हमें पूरा यूनियन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी अगर हमारा फाई आ गया है और फिर हम उसका यूनियन करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, वही वाला सेट रिपीट होगा। अब हम इसके राइट हैंड पे देखते हैं, सबसे पहले हमें ए यूनियन सी करना है। मैं यहाँ पे ए यूनियन सी करती हूँ। ए यूनियन सी का क्या मतलब है, जो एलिमेंट्स है वो सब कवर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, ये जो A यूनियन C है इसमें सारे एलिमेंट आ गए, क्योंकि हमारा जो A है उसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अब कॉमन जो भी हम लेंगे A यूनियन B से, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे A यूनियन B, A में भी सारे एलिमेंट हैं और A यूनियन C में भी सारे एलिमेंट हैं, तो जब हम इनका कॉमन करेंगे तो कॉमन में भी तो सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना। देखिए, A यूनियन C में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, A यूनियन C में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, A यूनियन B में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, A यूनियन C में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, A यूनियन B में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। अगर हम A का दोनों से यूनियन करेंगे तो उसमें क्या कॉमन है, A वाला जो सेट है वो कॉमन है, यानी कि A वाला सेट तो मिनिमम हर कंडीशन में सामने आएगा ही आएगा। और क्योंकि अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो वो किसके इक्वल बनेगा, A सेट के इक्वल बनेगा। ठीक है, और हमारा पहले वाला क्या बन रहा था, पहले वाला भी हमारा A सेट के इक्वल बन रहा था, यानी कि हमारा LHS जो है वो RHS के इक्वल ऑलरेडी हो गया है। अब हमें एक लॉ और पढ़ना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसको हम डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ को मैंने सबसे बाद में इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि इसमें ये सब चीज़ें यूज होंगी, जैसे कि ए सेट है, बी सेट है। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, वो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, सेकंड यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट वुड बी इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। एक में इसमें आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद में क्या होगा कि दूसरा ऑटोमेटिकली आप खुद प्रूफ करके देख लीजिएगा, वीडियो अननेसेसरी लेंथी करने का कोई पॉइंट नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि अगर हम दो सेट है हमारे पास ए यूनियन बी और उन दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें
तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या इक्वल होगा? या तो हम दोनों सेटों का यूनियन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, या फिर दोनों सेट का इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट करें। यह कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है ए डैश। दोनों सेट का इंडिविजुअली हम कॉम्प्लीमेंट करें और फिर उसका इंटरसेक्शन निकाल लें, तो दोनों का आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ए था उसको यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। ये ए हो गया हमारा, ये हो गया हमारा बी। कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये ए सेट है और हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? ए के कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट जो ए में तो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो उस पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट का काम करेंगे, एक तरीके से नेगेशन का काम करेंगे। अब देखिए 1, 3, 5, 7 ए में प्रेजेंट है, तो यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट बचते हैं? 2, 4, 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया 2, 4, 6। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट 2, 4, 6 प्रेजेंट है, बाकी कौन से प्रेजेंट नहीं है? 1, 3, 5, 7। अगर अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो इनके इंटरसेक्शन क्या होगा? इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना कोई भी कॉमन एलिमेंट, तो किसके इक्वल हो जाएगा? फाइव के। ये हो गया आरएचएस। अब हम ए यूनियन बी करते हैं। अगर हम ए यूनियन बी करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे एलिमेंट कंसीडर हो गए। अब अगर हम ए यूनियन बी डैश निकालें, ए यूनियन बी डैश का क्या मतलब है कि अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सिंपल है, वो सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में जो नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में। देखिए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सेट बना, यानी कि ऐसा कोई सेट है ही नहीं। तो ए यूनियन बी डैश क्यों हो गया? 5, 5 क्यों हो गया? क्योंकि खाली सेट है, ऐसा कुछ सेट बना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा LHS। अब आप अगर देखेंगे तो LHS इक्वल टू RHS, ये दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल हो गई हैं। यही हमारा डी मॉर्गन लॉ था, अगर यूनियन की जगह हम इंटरसेक्शन रख देंगे और इंटरसेक्शन की जगह यूनियन को रख देंगे तो भी हमारा आंसर सेम आने वाला है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइस। आज की इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाई हैं, थ्योरम्स जितनी भी बेसिक थ्योरम्स होती हैं सेट के लिए वो सब मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकली हम सेट्स का यूज़ करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, और कुछ और फॉर्मूलेस को डिस्कशन करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इसका फोर्थ पार्ट अपलोड वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।